गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं भी ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ और आज हम लोग का लेक्चर नंबर 1 है। तो आज का जो यूनिट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो यूनिट यूनिट का नाम मैं बता देता हूँ पहले, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है। सबसे पहले तो इस टॉपिक का इतना अच्छा इम्पोर्टेंस है कि इसमें थ्योरी बहुत कम है, नहीं के बराबर थ्योरी है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी में है और आसानी से इसमें से नंबर गेन किया जा सकता है, मार्क्स निकाला जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से देखना है, लेकिन इसके साथ साथ मैं जैसे जैसे पढ़ाते जाऊँगा आपको असाइनमेंट बहुत ज़्यादा देते जाऊँगा, तो आप साइड में असाइनमेंट को भी देखते जाइए और असाइनमेंट को कॉपी में ही बनाते जाइए, नोट्स कॉपी में। तो चलते हैं, यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, लेक्चर नंबर 1, और टॉपिक का नाम है ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? ठीक, तो आगे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आगे बढ़ेंगे बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिलेगा, कहीं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी सुनने को मिलेगा, कहीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सुनने को मिलेगा, कहीं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सुनने को मिलेगा, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में नाम आएंगे, उसी में एक नाम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल शब्द आया है, डिजिटल, इस डिजिटल में अगर ए एल को हटा दीजिएगा तो एक शब्द आता है, इसका नाम है डिजिट, करेक्ट, डिजिट। और अगर डिजिट को हिंदी किया जाए तो इसको बोलते हैं अंक, करेक्ट। इसका मतलब कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डिजिट पे काम करता हो, अंकों पे काम करता हो, अंकों की दुनिया से ऑपरेट होता हो, उसे हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन पहले पढ़ता हूँ, आप देखिए अच्छे से। इट इज़ द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यह इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में ढेर सारे ब्रांच मिलते हैं, मैंने अभी 2-3 नाम लिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के ब्रांच हैं, ठीक है, जिनका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। उसी में से एक ब्रांच हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम लोग बनाएंगे, वह डिजिटल सिग्नल पे काम करेगा। तो अब आप बोलेंगे सर सिग्नल तो आप बताए थे, हाँ सिग्नल मैंने यूनिट नंबर 1 में आपको डिफाइन किया है। सिग्नल किसे कहते हैं? वैसा कोई भी थिंग्स जिसमें इंफॉर्मेशन होता है उसे सिग्नल बोलते हैं। इसका मतलब सिग्नल में इंफॉर्मेशन मौजूद है, और किस तरह का इन्फॉर्मेशन मौजूद है? डिजिट वाला इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जो डिजिट वाला इन्फॉर्मेशन है वो डिजिटल सिग्नल में होता है, और यह डिजिट वाला इन्फॉर्मेशन हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को दे के ऑपरेट कराते हैं। यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को देता हूँ, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, देखिए लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, CKT का मतलब होता है सर्किट, में मैं यहाँ इनपुट सिग्नल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है मेरे पास, मैं इनपुट सिग्नल दे रहा हूँ। जब इनपुट सिग्नल दे रहा हूँ तो इनपुट सिग्नल में मेरे को देना है डिजिटल सिग्नल। कौन सा सिग्नल देना है? डिजिटल सिग्नल, इसको इनपुट के रूप में प्रोवाइड करना है, तो यह हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। जो भी आउटपुट होगा वो तो सर्किट पर निर्भर करेगा कि ऐसा कौन सा सर्किट है जिसमें कि वो अपना फंक्शन करने के बाद क्या आंसर देता है, अभी पता नहीं है। जो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में और बताऊंगा कि कैसा दिखता है, कैसे बनता है, कैसे जोड़ते हैं, ये सब बाद में। लेकिन वैसा कोई भी सर्किट जिसमें डिजिटल सिग्नल दिया जाए और डिजिटल सिग्नल को लेकर ऑपरेट करे, ऑपरेट करने के बाद कुछ रिजल्ट हमें दे, तो उस तरह के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं। तो हम लोग का जो आज का चैप्टर है उसका नाम है ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हमको ओवरव्यू करना है। ये आगे वाले सेमेस्टरों में, ठीक है, जैसे इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले इसको देख रहे होंगे तो चौथे सेमेस्टर में डिटेल पढ़ना मिलेगा आपको, बहुत डिटेल, एक चैप्टर ही बन जाएगा। लेकिन इस सेमेस्टर में हम लोग सिर्फ एक छोटा सा यूनिट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को सिर्फ ओवरव्यू करना है, लेकिन भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। आइए, तो सबसे पहले सिग्नल, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, तो मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में दो तरह के सिग्नल का ज़्यादातर प्रयोग होता है, ठीक है,
मैं लिख रहा हूँ उसी बात को, इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इन इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड देयर आर टू मेन सिग्नल आर यूज्ड। दो मेन सिग्नल का प्रयोग होता है, करेक्ट। पहला जो सिग्नल हमारे पास है उसका नाम है डिजिटल सिग्नल। पहला सिग्नल अलग रखते हैं, पहला सिग्नल का जो नाम है एनालॉग सिग्नल, नाम नया है, पहली बार सुनने को मिल रहा है। और दूसरा जो नाम हमारे पास है उसका नाम है डिजिटल सिग्नल। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो मुख्यतः दो ही तरह के सिग्नल पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर्क करता है, एक सिग्नल का नाम है एनालॉग सिग्नल और एक सिग्नल का नाम है डिजिटल सिग्नल। मैंने यहाँ लिखा था डिजिटल सिग्नल लेकिन बताया नहीं कैसा दिखता है, तो मैं आज अभी आपको एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि एनालॉग सिग्नल कैसा दिखता है और वो कैसे ऑपरेट करता है, और डिजिटल सिग्नल कैसा दिखता है और कैसे ऑपरेट करता है। तो चलिए एनालॉग सिग्नल पे बात करते हैं हम लोग। एनालॉग सिग्नल किसे कहते हैं? एनालॉग सिग्नल, यदि एनालॉग सिग्नल पे बात करें, एनालॉग सिग्नल कैसा दिखता है, क्या है? ए सिग्नल, डेफिनेशन पहले लिख रहा हूँ उसके बाद समझाऊँगा। ए सिग्नल विच इज कंटिन्यूअस विथ टाइम इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल, उसे एनालॉग सिग्नल के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे हमारे पास सिग्नल होते हैं, सब अपने अलग अलग गुण के सिग्नल पाए जाते हैं। उस सिग्नल में इस सिग्नल का गुण क्या कहता है कि मैं एक ऐसा सिग्नल हूँ जो समय के साथ हमेशा कंटिन्यूअस रहूँगा, समय के साथ हमेशा लगातार रहूँगा, समय के साथ हमेशा वैल्यू देते रहूँगा, रुकूँगा नहीं। तो वैसे सिग्नल और वैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर इन सिग्नलों का प्रयोग होता है तो उसको एनालॉग डिवाइस कहते हैं, ठीक है। अभी उसको भी लिखेंगे, तो एनालॉग सिग्नल कैसा दिखता है उसको देख लीजिए। ये देखिए, आप देखे भी हैं और मैंने पढ़ाया भी है, तो आप बोलेंगे अरे सर ये तो एसी है। एकदम करेक्ट, आप सही समझ रहे हैं, ठीक है। एसी, डीसी, इस तरह के जितने भी सिग्नल्स हैं वो एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। जैसे सिर्फ एसी ही नहीं सर, डीसी को भी आप ले सकते हैं। ये टाइम अक्ष हो गया, ठीक है, और ये वोल्टेज अक्ष ले लीजिए, ये डीसी, दोनों के दोनों आपके एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं, ठीक है। समय के साथ अपना वैल्यू कंटिन्यूअस देते रहते हैं, समय के साथ वैल्यू हमेशा देते रहते हैं, मतलब किसी भी क्षण पे अगर आप मान निकालना चाहेंगे तो आपका मान निकलेगा। हर समय हर क्षण पे कोई ना कोई वैल्यू, जैसे इस क्षण पे मान निकाल रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर मान मिला सर, ठीक। उसी तरीके से इस क्षण पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पर मान मिला सर, तो किसी भी क्षण पे अगर मान निकालना चाहेंगे तो आपका मान निकल जाएगा। तो ऐसे सिग्नलों पे काम करने वाले डिवाइस को हम लोग एनालॉग डिवाइस कहते हैं। तो अगला जो डेफिनेशन आएगा वो सुनिएगा, एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच वर्क विथ एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है एनालॉग डिवाइस, उसे एनालॉग डिवाइस के नाम से जानते हैं, करेक्ट। एनालॉग डिवाइस, यहीं पर आता है, एनालॉग सिग्नल के बाद आता है डिजिटल सिग्नल, ठीक है, और डिजिटल सिग्नल पे बात करते हैं, ठीक है। मैंने एनालॉग सिग्नल दिखा दिया कैसा दिखता है, खैर ये धीरे धीरे आगे पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिजिटल सिग्नल के बारे में जानेंगे। तो हम लोग दूसरा जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो देखिए क्या लिखता है, ए सिग्नल, कोई एक ऐसा सिग्नल, ठीक है, विच इज
ठीक है, विच इज नॉट कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट विथ टाइम। डिस्क्रीट नया शब्द है ना डिस्क्रीट आपके लिए। डिस्क्रीट का हिंदी होता है टूटा हुआ, ठीक है, या इसके जगह पर लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? डिसकंटिन्यूअस, ए सिग्नल विच इज डिस्क्रीट विथ टाइम। डिस्क्रीट विथ टाइम, डिस्क्रीट विथ टाइम इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, उसे डिजिटल सिग्नल के नाम से जानते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। एक लड़का बोलता है क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये देंगे तो काम करेगा? यस करेगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये देंगे तो काम करेगा? यस करेगा। क्या दोनों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सेम होगा? नहीं, अलग अलग होंगे। उस सर्किट के सर्किट जैसा बनाया गया उसमें क्या इनपुट देंगे कि वर्क करेगा वो सर्किट को देखने के बाद पता चलता है। करेक्ट, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग इनपुट्स लेती हैं और अपना काम करती हैं। तो चलिए, मैं डिजिटल सिग्नल के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा सिग्नल मैं बना रहा हूँ जो समय के साथ टूटा हुआ रहता है। सर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसको एग्जांपल देंगे तो ज़्यादा समझिएगा। देखिए, एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास टाइम अक्ष है और ये वोल्टेज अक्ष है, वोल्टेज अक्ष और इधर टाइम अक्ष। मैं यहाँ पर थोड़ी देर तक तो ठीक सिग्नल ले गया, फिर मैं इसको ख़त्म कर दिया, सिग्नल है ही नहीं। अब फिर थोड़ी देर के बाद फिर स्टार्ट किया, फिर थोड़ी देर के बाद दिया, फिर मेरे पास आया, फिर मैंने सिग्नल ख़त्म कर दिया, फिर मेरे पास सिग्नल आया, उसके बाद ऐसे मिला आगे, ठीक है, फिर आया, फिर मिला। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, सभी का ऊंचाई बराबर है बाबू, ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास यहाँ सिग्नल है वो टूटा टूटा सिग्नल है। इतना दूर सिग्नल हमें प्राप्त हो रहा है, बट इतना दूर में कोई सिग्नल नहीं है, ये अक्ष एकदम सीधा लाइन है। अगर आपका एक सीधा लाइन रहेगा, बोलेंगे कोई सिग्नल है, तो बोलोगे कोई सिग्नल नहीं है। वैसे ही इतना से इतना दूर तक में कोई सिग्नल नहीं है, नो एनी सिग्नल, और इतना से इतना दूर में कोई सिग्नल नहीं है। मतलब कुछ समय अंतराल में ये सिग्नल को नहीं दे पा रहा है, सिग्नल है ही नहीं इसके पास, ठीक है। तो टूटा टूटा सिग्नल है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, यहाँ सिग्नल मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल ही नहीं रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। तो बहुत ऐसे जगह पर सिग्नल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यही लिखा है, ए सिग्नल विच इज डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है टूटा हुआ, विच टाइम इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल, ठीक है। और इस तरह के सिग्नल पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस काम करेगा उसे डिजिटल डिवाइस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हम लोग कहेंगे, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कहेंगे, ध्यान देंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए, इसको हम लोग डिजिटल क्यों नाम दिए? डिजिट शब्द यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया था ना, डिजिट का हिंदी क्या बताया था मैंने? अंक। तो अंक क्यों आया सर? अंक मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे अंक होता है। तो यस, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। साइंटिस्ट लोगों ने एज्यूम किया कि जो ऊंचा वाला भाग है, जो पहाड़ जैसा दिख रहा है या घर जैसा दिख रहा है, इसे हम लोग वन एज्यूम करेंगे। आगे चल के बताऊंगा इस वन का मतलब क्या होता है। अभी आप समझिए कि ये ऊंचा वाला जो घर है इसको वन मान लिया। क्या मान लिया? वन, ठीक है। तो नीचा वाला जो घर होगा सपाट वाला, इसे जीरो मान लिया, ठीक। फिर ऊंचा वाला को वन मान लिया, फिर नीचा वाला को जीरो, फिर ऊंचा वाला को वन, यानी इस तरीके से ऊंचा नीचा दो तरह के इसमें सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, दो तरह के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं। इसमें 1 0 1 0 1 0 मान लिया, ठीक है। आगे चल के मैं इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इस 1 0 को बाइनरी बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि एक एक प्रकार का संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति बाइनरी नंबर, ये सिग्नल बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करने लगा, यही है। तो ये देखिए, मैंने अंकों के रूप में इस सिग्नलों को प्रदर्शित कर दिया। यही मैंने बोला था कि डिजिट के रूप में, अंक के रूप में मैं सिग्नल को दिखा रहा हूँ, अंक के जैसा दिखा रहा हूँ। इसीलिए इस तरह के सिग्नल पे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वर्क करता है उसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कहते हैं। अब लिख देते हैं, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है विच वर्क, जो काम करता है, विच वर्क विथ डिजिटल सिग्नल
इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है इज कॉल्ड, ठीक है, डिजिटल डिवाइस, डिजिटल डिजिटल डिवाइस, उसे डिजिटल डिवाइस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा सा डेफिनेशन दिया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। इस डिजिटल सिग्नल को समझने के लिए उसी से मिलता जुलता एक और सिग्नल हम लोग पढ़े, एनालॉग सिग्नल। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में दो मुख्य सिग्नलों का प्रयोग ज़्यादातर होता है, एक एनालॉग सिग्नल और एक डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो ऐसे सिग्नलों पे कोई भी डिवाइस अगर वर्क कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। और ऐसे सिग्नलों पे वर्क अगर वो कोई सर्किट या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस काम कर रहा है तो उसे बोलेंगे एनालॉग, ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ठीक है। तो जिस सिग्नल पे जो काम करता है वैसे। हमारे पास एग्जांपल के लिए बहुत सारे डिजिटल डिवाइस भी अवेलेबल हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप अपना रेडियो की बात करते हैं, जो रेडियो सुनते हैं वह आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, करेक्ट। लेकिन अगर आप बहुत सारे ऐसे जो आपके हाथों में घड़ी पहनते हैं आप, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे डिजिटल सिस्टम देखते हैं जिसमें अंक दिखाई देता है, तो वहाँ पर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बोलने लगते हैं, वहाँ डिजिट्स के रूप में आपके काम होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जैसे कंप्यूटर आपका एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ठीक है। तो अभी मैंने रेडियो का एग्जांपल दिया, रेडियो एक एनालॉग है, ठीक है। अब तो सब मैक्सिमम डिवाइसेस डिजिटल की दुनिया में जा रहे हैं। इसका कारण आगे चल के मिलेगा कि डिजिटल की दुनिया ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा रिलायबल है, सस्ती है और आसानी से वर्क कर सकती है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे चैप्टर बड़े होने पर आपको बताया जाता है कि डिजिटल एनालॉग से अच्छा है, ठीक है, बहुत सारे मामले में अच्छा है। अभी तो खाली ऐसे ही बोल रहे हैं अच्छा है, लेकिन जब हम लोग टेक्निकल रीज़न पढ़ेंगे तो बहुत सारा ऐसा लगेगा कि हाँ डिजिटल बहुत अच्छा है एनालॉग सिस्टम से। तो इसलिए हम लोग डिजिटल सिस्टम को अपना रहे हैं और एनालॉग सिस्टम को धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं। चलिए, फिर भी हम लोगों का पहला जो पार्ट था जिसमें कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, अब इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें पहला चैप्टर क्या पढ़ना है ये समझते हैं। लेकिन पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में अच्छे से, फिर हम आगे और बढ़ते हैं। जो ट्रिपल ई है इसमें आप लोग जो ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका यूनिट दिया हुआ है, इसमें तीन आप लोगों को मेन टॉपिक्स को स्टडी करना है, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ नहीं दिखता है, लेकिन ये तीनों टॉपिक्स आपको पढ़ना है और इन्हीं तीनों टॉपिक्स से आपको पूरे क्वेश्चन आएंगे। पहला नंबर सिस्टम, ठीक है, पहला नंबर सिस्टम जिसको कि मैं डिटेल पढ़ाऊँगा। दूसरा है लॉजिक गेट, ठीक है, लॉजिक गेट। तीसरा हमारे पास आएगा, उसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। यानी ये तीन टॉपिक यदि मैं कंप्लीट कराऊंगा तो आपका ये यूनिट कंप्लीट होगा। तो देखिए, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन हम इसको बड़ा कर रहे हैं, लेक्चर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, जितना हो सके धीरे धीरे मैं ले जाऊंगा आराम से एक एक करके। तो मैं पहला आज टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं इस यूनिट का, यानी इस यूनिट में कुल मिला के मैं तीन टॉपिक की स्टडी कराऊंगा। एक का नाम है नंबर सिस्टम, एक का नाम है लॉजिक गेट और एक का नाम है बूलियन अलजेब्रा। अब तीनों के बारे में तो नया नया चीज़ है, आप सीखे नहीं हैं, कुछ लोग सीखे भी होंगे। चलिए उसको अच्छे से डिटेल धीरे धीरे पढ़ते हैं, कोई हड़बड़ाना भी नहीं है, आराम से चलना है। सबसे पहला टॉपिक मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ, उसका नाम है नंबर सिस्टम। कौन सा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं इसको हिंदी में। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसे हिंदी में हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है, संख्या पद्धति। अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ तो चलिए नंबर सिस्टम, तो क्या बोल रहा हूँ नंबर सिस्टम क्या होता है सुनिएगा। इसको ऐसे समझिए, नंबर सिस्टम को कैसे समझिएगा, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, और मेरे हाथ में 15 रुपया है, ठीक है। अब मैं 15 रुपया है, मैं इस 15 रुपया को कंप्यूटर को देना चाहता हूँ, कंप्यूटर बगल में है। जब मैं कंप्यूटर को 15 दिया तो बोला हमको समझ में नहीं आ रहा है। कंप्यूटर बोला क्यों भाई, तुम मेरे पास 15 रुपये तुम भी ले लो। तो कंप्यूटर बोलता है तुम्हारा जो भाषा है और मेरी जो भाषा है दोनों अलग अलग है, ठीक है। बोले क्या तुम्हारी भाषा क्या है? तो अपना भाषा बताता है, मैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता हूँ। यहाँ नंबर सिस्टम बोर्ड आया ना, यहीं पर नंबर सिस्टम आता है। नंबर सिस्टम है क्या?
देखिएगा हमारे आसपास जितनी भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं वो अलग अलग नंबर सिस्टमों पे काम करती है, सभी का सिस्टम अलग है, सभी का काम करने का विधि अलग है। ठीक है, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग को बचपन से एक नंबर सिस्टम सिखाया जाता है, दशमलव संख्या पद्धति। तो दशमलव संख्या पद्धति हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, करेक्ट। तो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो और एक बात, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लिया मेरे पास 15 रुपया है, ठीक है, सिस्टम को समझिए सिस्टम क्या होता है, पहले सिस्टम समझाता हूँ। मेरे पास 70 रुपया है, 70 रुपीज़, आसानी समझ में आएगा 70 रुपये के एग्जाम्पल में। और मैं अमेरिका चला गया, अमेरिका में चिल्ला के बोलूँगा मेरे पास 70 रुपया है तो कोई बात नहीं समझेगा, वहाँ पर बोला बोला जाएगा $1। कितना? $1। यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 70 रुपया है और एक के बराबर हुआ। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो एकदम सरासर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टम इसमें कुछ मेंशन नहीं किया मैंने। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रुपया लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं डॉलर का साइन दे देता हूँ तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी मैंने मेरे इस इंडिया में 70 रुपीज़ अमेरिका के $1 के बराबर हुआ। यानी कि सिस्टम दोनों का अलग अलग है लेकिन संख्याएं देख लीजिए, वहाँ यहाँ का 70 वहाँ के 1 के बराबर होता है। ठीक है, यानी डॉलर यानी करेंसी के सिस्टम में, करेंसी के सिस्टम में यहाँ का 70 रुपया वहाँ के 1 रुपया के बराबर हो गया, करेक्ट। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोगों के इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे डिवाइसेस अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे सर्किट्स अवेलेबल हैं जो अलग अलग नंबर सिस्टमों पे काम करते हैं, और उन्हीं नंबर सिस्टम को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जितने भी नंबर सिस्टम देखने को मिलते हैं और काम करते हैं उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो नंबर सिस्टम देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर और डिजिट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर और डिजिट इन ए डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर और डिजिट इन ए डिफरेंट वे इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है, इज कॉल्ड नंबर सिस्टम, उसे नंबर सिस्टम कहते हैं, नंबर सिस्टम। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास 15 है, मैं आगे चल के समझाऊंगा, ऐसे ब्रैकेट करके यहाँ 10 दे रहा हूँ, 10 का मतलब क्या है समझाऊंगा। ऐसे 10 का मतलब डेसिमल होगा जो कि मैं हमारी दुनिया काम करती है, लेकिन मैं अगर कंप्यूटर को दूंगा तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करेगा, 1111। इसे हम लोग डेसिमल कहते हैं, क्या बोलेंगे आगे चल के मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, डेसिमल। और ये जो है इसे कहते हैं बाइनरी। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। यानी कि अगर मैं 15 लिखता हूँ, ठीक है, तो 15 को मैं अपनी दुनिया में, मेरी दुनिया में, डेसिमल की दुनिया में मैं 15 बोलूँगा और बाइनरी की दुनिया में 1111 बोलूँगा। बाइनरी की दुनिया यानी कंप्यूटर को अगर दूँ तो कंप्यूटर 15 नहीं बोलेगा, 15 वह 1111 बोलेगा। इस तरीके से कैसे आ गया आप इसकी चिंता नहीं करें, वो मैं बताऊँगा कि ये इससे कैसे इतना आ जाता है। तो मैंने एक नंबर को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये नंबर सिस्टम कहलाता है, इसे नंबर सिस्टम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सर, हम लोग अभी तक कितने तरह के नंबर सिस्टम को जानते हैं? तो सर नंबर सिस्टम के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। जनरली हम लोग को 4 टाइप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेकिन काम के लिए 4 टाइप्स हैं। टाइप्स तो बहुत सारे हैं, बट जो हमारे वर्क में अभी हो रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में यूज होता है, हम लोग के आसपास जितना यूज होता है उसके बारे में, उसके 4 टाइप्स हैं। पहला, सबसे पहला जो नंबर सिस्टम है उसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा जो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है ऑक्टल नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा जो नंबर सिस्टम हमारे पास है उसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम
डेसिमल नंबर सिस्टम, उसे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे तीसरा कहते हैं। चौथा जो है हमारे पास है उसका नाम है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, ये हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम हो। तो हम लोग कुल मिला के चार तरह के नंबर सिस्टम हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। एक एक करके सभी नंबर सिस्टमों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर सिस्टम का डेफिनेशन जानेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो अभी आज का लेक्चर मेरा बेसिक्स था, मैं सिर्फ टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम तक आया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम से आगे बढ़ते हुए आगे इसके एक एक डेफिनेशन पे बात करेंगे और कोई एक नंबर सिस्टम का कन्वर्जन भी सीखेंगे, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूँ। पहला लेक्चर को अच्छे से कॉपी कीजिए, बढ़िया से ढंग से कॉपी कीजिए और मैं एक एक करके कॉपी भी चेक करूँगा आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए इतना ही, ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।